हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो सर, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और फर्स्ट टाइप के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ब्लड और जो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, जब उस ब्लड जो है वो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पम्प करता है और इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। इस तरीके का हमने सिस्टम पढ़ लिया था। अब एक हमारा जो है वो दूसरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो, इसके अंडर में हमें क्या देखना है, सिमिलरली जिस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता था, ठीक है, एक एक सर्किट बना करके, एक वेसल्स बना करके, तो उसी तरीके से जो लिम्फ है, आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है लिम्फ, उसी तरीके से ये जो लिम्फ है वो भी क्या करता है, वो भी एक अलग, यानी कि देखो ये तो ये जो बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है ये ब्लड के लिए है, ये जो वेसल्स थे, ये जो आर्टरीज थी, ये जो वेंस थे, ये ब्लड के लिए है। तो सिमिलरली इनसे अलग एक और हमारा वेसल्स होता है, बात समझना यहाँ पर। इनसे अलग, इसी में नहीं, इनसे अलग हमारा एक और ब्लड वेसल्स, एक और सॉरी वेसल्स होते हैं जिनमें हमारे वो लिम्फ क्या करते हैं, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके सर, तो अब समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। अब समझते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिम्फ को समझते हैं। देखो हमें यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम को समझना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने से पहले हम पहले लिम्फ को समझ लेते हैं। तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूड होता है। आप ये क्लास 9th में भी पढ़े हो। देखो फ्लूड का मतलब होता है कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें, मतलब कह लो कि वाटर और कुछ मिनरल्स मिले हुए हैं, उसको हम कहते हैं फ्लूड। ओके, तो बेसिकली लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूड होता है जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लिम्फ है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। याद रखना, लिम्फ जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स। ओके, तो अब हम बेसिकली अब इसी प्लाज्मा और इसी लिम्फोसाइट्स का हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ओके, और जिस जिस चीज़ का ये हेल्प लेता है सर्कुलेशन के लिए, तो उस पूरे सिस्टम को मिला करके हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। चलो, तो हमें इतनी बातें सर समझ में आ गई कि लिम्फ बेसिकली क्या है, कलरलेस फ्लूड है और जो हमारी बॉडी में अगर होता है पाया जाता है। और बेसिकली ये जो लिम्फ है बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, एक हमारा होता है प्लाज्मा और एक हमारा होता है लिम्फोसाइट्स। देखो आप लोगों ने हमेशा इम्यून सिस्टम के बारे में सुना होगा, या हमेशा क्या क्या कहा जाता है आप लोगों, कि अपनी जो इम्यूनिटी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इनक्रीज़ करो। तो ये बेसिकली हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में हम इन्हीं सब चीज़ों को डील करेंगे, क्या कि कैसे हम अपनी बॉडी की इम्यून को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो इम्यूनिटी बनाने का जो काम करता है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। आगे बात समझ में। ब्लड, देखो बेसिकली ब्लड जो हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता था, तो वो सारे के सारे सेल्स में क्या करते थे, ब्लड को पहुंचाने का काम करता था। तो ये जो लिम्फ है, लिम्फ भी बेसिकली क्या करता है, लिम्फ भी देखो बेसिकली सेल के बाहर रहते हैं, वो सेल के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो और क्या करते हैं, तो ये जो भी जैसे ये एक एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, वायरसेस से। ये इवन कभी, मतलब इवन अगर जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वो कभी कभी वायरसेस को भी डिफेंड करते हैं, ठीक है। वायरस अगर बॉडी में अगर आ जाता है तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उस वायरस को किल करने का काम करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में अब आपको आ गई होंगी। अब इनका जो पाथ होता है वो भी अलग होता है। चलो देखिए, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। तो हमने कहा सर प्लाज्मा, तो बेसिकली जो प्लाज्मा है ये भी जैसे आपने फ्लूड में, जैसे आपने ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड बेसिकली हमारा जो ब्लड होता था वो हमारा प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल से मिलकर के बना होता था, तो उसी तरीके से प्लाज्मा यानी कि लिम्फ भी क्या होता है, लिम्फ भी एक प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। तो सेम ये वही वाला प्लाज्मा है ना, कहता है कि प्लाज्मा इज़ अ फ्लूड मिक्सचर, फ्लूड के बारे में आपको पता है, विच इज़ सिमिलर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जिस तरीके से ब्लड प्लाज्मा होता था उसी तरीके से हमारा ये वाला भी प्लाज्मा है। इट कैरी, अब देखो ये कैरी क्या करता है, ये क्या क्या ले जाता है, तो इट कैरी प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, जर्म्स एंड डेड सेल, और कभी कभी ये जो हमारे जो डाइजेस्टेड फैट होते हैं ये उनको भी ले जाने का काम करता है। कौन काम करता है, प्लाज्मा। ओके, हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब देखो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ WBC। देखो जो लिम्फोसाइट्स है वो एक WBC का ही टाइप है ना, यानी कि WBC हमेशा और हमेशा हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देती है। तो लिम्फोसाइट बेसिकली है क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ WBC है। आपने क्लास 9th में लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, याद करो टाइप्स ऑफ WBC, और टाइप्स ऑफ WBC में आपका ये आया था क्या, लिम्फोसाइट्स आया था। देखो अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली कई सारे टाइप्स के, बेसिकली पाँच टाइप्स के होते हैं। मोनोसाइट्स होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होता है। देखो यहाँ पर कुछ बातें आप समझ लो, इसको आप नोट, आपको आपको इसको नोट नहीं करना है, ये बस समझ लो। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है,
न्यूट्रोफाइल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं और इसियोनोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है लिम्फोसाइट्स के बारे में। ओके, तो हमने कहा कि सर जो हमारा लिम्फोसाइट्स है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। इट एक्ट एज एंटीबॉडीज, कभी कभी ये कभी कभी क्या हमेशा ये हमेशा एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करता है, जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इवन वो वायरस हो गया या जो भी आपके पैरासाइट्स हैं आपके जो ब्लड में जा करके मिल जाते हैं, वो उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके अच्छा, अब लिम्फोसाइट जो बेसिकली देखो है, ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है, तो ये बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है लिम्फ नोड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, ग्लैंड्स कहते हैं। यानी कि ये जो लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, लिम्फ नोड से प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स है, दीज लिम्फ नोड्स एग्जिस्ट इन अवर बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, हमारी बॉडी में हर जगह अवेलेबल है। लगभग 600 से ज़्यादा ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में अवेलेबल होती हैं, पूरे सर से लेकर के पूरे पैर तक, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज़ द फिल्टरिंग ऑफ लिम्फ। अब ये लिम्फ बेसिकली ये जो लिम्फ नोड है यानी कि ये जो ग्लैंड है, तो ये करता क्या है कि जो भी देखो जो भी लिम्फ क्रिएट हो रहा है, जो भी लिम्फ बन रहा है और वो जब फ्लो होता है, तो क्या करता है कि ये लिम्फ को फिल्टर करता है। जैसे मान लो इसने किसी माइक्रोब्स को किल किया, तो अब वो माइक्रोब्स क्या होगा, अब उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा, तो ये जो भी लिम्फ नोड होगा वो उस माइक्रोब वो उस डेड माइक्रोब्स को या आपके जो भी डेड सेल हैं वो उसको क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। और इसी नोड्स के पास, यानी कि ये जो लिम्फ नोड है इसी नोड्स के पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स क्रिएट होता है। ओके अच्छा, अब देखो जिस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो एक आर्टरीज में वेंस में फ्लो होता था, तो उसी तरीके से ये जो लिम्फ है, देखो दीज लिम्फ्स ड्रेन इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज। ये जो लिम्फ जो बन रहे हैं ये बेसिकली कैसे ड्रेन होते हैं, ये बेसिकली पहले लिम्फैटिक कैपिलरीज में आते हैं। कहाँ से आते हैं ये सारी चीज़ें, तो फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या, इसका मतलब समझो, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहा है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि आपके सेल हैं, मान लो आपके दो सेल हैं, तो दो सेल्स के बीच में जो भी खाली जगह है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। तो ये जो लिम्फ्स हैं ये बेसिकली उस इंटरसेलुलर स्पेसेस से पहले किस में आते हैं, कैपिलरीज में आती हैं, कैपिलरीज में गई, फिर वहाँ से वो कैपिलरीज से फिर वो कहाँ चला जाता है, वो फिर चला जाता है लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। कैपिलरीज के देखो कैपिलरीज आपने पढ़ा था ना, कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो सिमिलरली ये इस जिस तरीके से हमारा जो ब्लड कैपिलरीज से निकल करके आर्टरी या फिर वेंस में जाता है, तो उसी तरीके से ये हमारे जो लिम्फ हैं वो कैपिलरीज से निकल करके कहाँ जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में जाते हैं। एंड फर्दर ये जो फिर लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स आर फ्लो थ्रू द मतलब बेसिकली एक टाइप का वेसल्स ही हो गया, विच फर्दर ड्रेन इनटू वेन। और ये फिर फाइनली कहाँ ड्रेन हो जाता है, ये फिर आपके वेन्स में ड्रेन हो जाता है। वेन्स के कौन से पार्ट में, तो हार्ट का जो पार्ट था वेना केवा जिसके बारे में आपने पढ़ा था, तो ये वहाँ पर जाकर के फर्दर मिल जाता है। तो यही पूरा का पूरा हमारा क्या है, लिम्फैटिक सिस्टम है। अब इसमें जो आपके जो टर्म आए हैं, क्या क्या, लिम्फ और एक फिर आया है लिम्फ नोड, याद रखना लिम्फ, लिम्फ नोड, लिम्फैटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके हमारा बनता है लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फैटिक सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ नोड होगा, लिम्फैटिक कैपिलरीज होगा एंड लिम्फ वेसल्स होगा। आगे बात समझ में, तो आप लिम्फैटिक सिस्टम को बता सकते हो कि बेसिकली हमारा जो लिम्फैटिक सिस्टम है कुछ नहीं, ये भी एक हमारे एक टाइप का एक सर्कुलर एक सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, जिसमें क्या करता है कि जिसमें एक जो फ्लूड है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और उस फ्लूड को हम कहते हैं लिम्फ, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फैटिक सिस्टम। चलो अब थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू हम इसको समझते हैं एग्जैक्टली कि होता कैसे। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरीके से ब्लड हमारा ये वेंस के थ्रू होता हुआ, ये आर्टरीज के थ्रू होता हुआ, फिर कैपिलरी से एक्सचेंज होकर के फिर वेंस के थ्रू होता हुआ, फिर हार्ट्स में जाता है, हार्ट में जाता है, उसके बाद फिर ये हार्ट से होता हुआ, मतलब फिर दोबारा ये हार्ट में जाता है, इस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। तो सिमिलरली इसके जस्ट बगल में, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट बगल में तो बहुत ज़्यादा दूर दिखा दिया है, बहुत जस्ट बगल में सिमिलरली क्या होता है कि सबसे पहले ये कैपिलरीज में आती हैं, ठीक है, कैपिलरी से होता हुआ, फिर ये बेसिकली देखो ये कैपिलरीज है, उसके बाद फिर ये वेसल्स में होता हुआ, ये फिर वेसल्स में फ्लो करता है और फिर ये पहुंच जाता है किसके पास, लिम्फ नोड के पास पहुंच जाता है, ठीक है। फिर ये लिम्फ, देखो बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, बहुत जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, ये केवल एक जगह दिखाया है ना। इस तरीके से फिर ये फ्लो होता हुआ, ये जो तुम्हारा लिम्फैटिक वेसल्स है इसमें फ्लो होता हुआ,
ये फिर कहाँ मिल जाता है, ये फिर मिल जाता है वेनाकेवा में, यहाँ पर था ना, हार्ट का क्या था, यहाँ पर वेनाकेवा था, याद आ रहा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो लिम्फ है, जैसे कि हमारा ये जो ब्लड होता था वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता था, अप डायरेक्शन मतलब कि अपसाइड डाउन साइड, ये मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव करता था, ठीक है। लेकिन जो लिम्फ है वो हमेशा हार्ट की तरफ मूव करेगा, हमेशा हार्ट की तरफ, याद रखना एक बात। जैसे देखो यहाँ से ये लिम्फ हमेशा किधर की तरफ मूव कर रहा है, इस हार्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये जो लिम्फ है ये हमेशा किधर की तरफ मूव कर रहा है, ये हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें भी क्या होता है, इस लिम्फेटिक वेसल्स में भी क्या होते हैं, वॉल्स लगे होते हैं, ये वॉल्स लगे होते हैं, जो वॉल्स क्या इंश्योर करते हैं कि ये जो लिम्फ है ये इसका जो फ्लो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो पाए। तो ये पूरी बात रही लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसान सा चीज़ है ये, कुछ नहीं, बेसिकली आपको इम्यूनिटी देता है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर लिम्फोसाइट अगर आपकी बॉडी में नहीं है, कुछ बेसिक से फैक्ट समझो कि अगर आपकी बॉडी में अगर लिम्फोसाइट्स नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तो मतलब विदाउट लिम्फोसाइट्स के आप तो मतलब ज़िंदा नहीं रह पाओगे, नहीं, आप लिविंग आप ज़िंदा रह लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे डिजीज़ होने के, ठीक है। क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, इवन जो वायरस होते हैं, जो फंगाई होते हैं, ये इन सभी को किल करने का काम करती है, ओके। तो ये था ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट छूट गया था, ब्लड प्रेशर है ना, ये पिछले वाले उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही थोड़ा सा पार्ट है, आप इसको जल्दी से देख लो। बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो देखो ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो ब्लड है, जब हार्ट जो है जब उस ब्लड को जब पंप करता है ना, जब हार्ट जो उस ब्लड को जब पंप करता है तो एक फोर्स लगाता है, और आपको पता है कि जब फोर्स लग रहा है और वो पर्टिकुलर किसी एरिया में लगता है तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, इट इज़ अ फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। भाई वॉल है, अब वो वॉल के अगेंस्ट क्या कर रही है, ब्लड चल रही है, तो क्या क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखो अब ब्लड प्रेशर भाई हम मेज़र अब किस में करें, हमने कहा था कि सर हमारे पास आर्टरी होती है और वेंस होता है, तो आप ये बताओ ब्लड जो बेसिकली पंप करता है तो वो पंप होने के बाद फिर किस में जाता था, आर्टरीज़ में जाती थी। तो हम जो ब्लड प्रेशर जो मेज़र करते हैं, हम वो आर्टरी वाले में जो ब्लड होता है हम उस वाले ब्लड को मेज़र करते हैं, ठीक है। यानी कि अब ब्लड के पास क्या है, एक प्रेशर आ गया है, अब हमें हमें क्या करना है, हमें उस प्रेशर को मेज़र करना है, ठीक। तो हमने कहा कि सर अब ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे, एक हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, याद आया सिस्टोल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब आपका जो वेंट्रिकल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्रिएट क्या, क्या 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 करता था, एक फोर्स क्रिएट करता था ना, जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो होता था। तो एक हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, अब ये सिस्टोलिक प्रेशर कब क्रिएट होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर जब होता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस समय जब जो नॉर्मल ब्लड की जो प्रेशर होती है वो मेज़र करी गई है 120 mm ऑफ Hg। देखो अब ये mm ऑफ Hg क्या है, देखो बेसिकली आप कहते हो कि सर हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप कहते हो, तो यहाँ पर बच्चे हम मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लेकर के हम क्या लेंगे, mm ऑफ Hg लेंगे। ये भी प्रेशर को मेज़र करने का एक तरीका होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है, आप इसको क्लास 11th में बड़े अच्छे से समझोगे, चलो अच्छा, या फिर फिजिक्स वाले टॉपिक में आएगा तो इसको भी वहाँ पर समझ लेंगे। तो बेसिकली हम जो ब्लड का प्रेशर जो हम मेज़र करते हैं हम किस में करते हैं, एमएम ऑफ एचजी में करते हैं। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 एमएम ऑफ एचजी, और ये सिस्टोलिक को मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, ठीक है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स कर लेना। देखो डाया में मैंने आपको बताया था कि डाया का मतलब कि डाया मतलब कि उसकी जो आपको अपनी मुट्ठी क्या कर देना है, खोल देना है, दैट इज़ अब वो रिलैक्स कंडीशन में, तो मुट्ठी आपने खोल दी, दैट इज़ आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स कंडीशन में आ गया, और उस केस में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180 एमएम ऑफ एचजी होता है। तो ये आपको दो प्रेशर याद रखने हैं, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर इतना होता है और डायस्टोलिक प्रेशर इतना होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका और हमारा भी अभी इस समय आप जब पढ़ रहे होगे, जब भी आप इस वीडियो को, और अगर आप एक रिलैक्स मोड में होगे तो आपका प्रेशर, आपके ब्लड का प्रेशर इतना लगभग होगा। अब हम इस प्रेशर को बेसिकली जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसको हम बेसिकली देखो क्या कहते हैं, वो है ना जिस तरीके से डॉक्टर क्या करता है आपके ऊपर वाले हैंड के पोर्शन को क्या कर देता है, बांध देता है और फिर मेज़र करता है, ठीक है। तो उस जो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है, सॉरी स्फाइग्नोमैनोमीटर,
इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम क्या करते हैं, पहले ब्लड को, ब्लड के प्रेशर को मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है हाइपरटेंशन का। तो देखो हाइपरटेंशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि जब आपके जो जो भी आपकी आर्टरी है उस आर्टरी में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस ये जो हमारा ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ओके, अब इस हाइपरटेंशन में देखो हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 140 mm से भी ज़्यादा हो जाता है। देखो कितना था अभी, 120 था, और अब कितना हो गया, 140 mm से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि हम हाइपरटेंशन हमें हो गया। अगर डायस्टोलिक जो प्रेशर है अगर वो कितना बता रहा है, एबव 90 mm से अगर ज़्यादा बता रहा है, तो उस केस में भी आपको हाइपरटेंशन है। अच्छा, अगर छोटी सी अगर हम ये बात कर लें कि एग्जैक्टली ये क्रिएट कैसे होता है, तो देखो जब भी जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो फैटी चीज़ें खाते हैं, तो होता क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फैट होता है या फिर जो भी स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके ब्लड के वेसल्स में क्या होते हैं, साइड साइड से जम जाते हैं। बात समझना, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। देखो जैसे मान लो ये आपका वेसल्स है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस वेसल्स में देखो बेसिकली क्या होगा कि जो भी आपके फैट मटेरियल है या फिर जो भी स्मोक का जो पार्टिकल है, वो क्या होता है, ये साइड में आकर कैसे जम जाता है ना, साइड में आकर कैसे जम जाता है। अब भाई ये जो ब्लड वेसल्स है ये किसके लिए बना है, ये तो भाई बना है ब्लड के फ्लो होने के लिए। तो अब क्या है कि ब्लड को यहाँ पर थोड़ी सी जो फ्लो होने की जो जगह है वो कम हो जाती है। आ रही बात समझ में, इसलिए ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो जो ब्लड जब यहाँ से बहुत ज़्यादा, जब भाई इसको फ्लो होना है, तो अब फ्लो होने के लिए क्या करेगा, ये और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। आपको पता है ना कि प्रेशर बेसिकली, आपने कहा था ना कि सर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर एरिया पहले इतना बड़ा था, अब एरिया इतना छोटा हो गया ना, इतना इतना छोटा, इतना पतला सा हो गया। तो आपने कहा ना कि सर अगर एरिया अगर इंक्रीज़ करता है, अगर सॉरी देखो एरिया अगर डिक्रीज़, यहाँ पर एरिया देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो अगर एरिया अगर डिक्रीज़ करता है तो हमारी जो प्रेशर होती है वो इंक्रीज़ करती है। आ रही बात समझ में, जैसे आप देखो आप अपने अभी अभी आप अपने दो पैरों पर खड़े हो तो प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, अब आप एक पैर पर खड़े हो जाओ तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने एरिया कम कर लिया। अब आप अंगूठे पर केवल और खड़े हो जाओ तो और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने एरिया और ज़्यादा कम कर लिया है। तो कभी कभी इस ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कभी कभी ब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और कभी कभी इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ब्लड प्रेशर का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट होगा कौन सा, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सर्शन के बारे में, नहीं सॉरी पहले हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है। ओके, तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना पढ़ाई करते रहो।